वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, एक बार हम आपका फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं इस YouTube के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम MS Excel के एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है सब टोटल। ये आपके डेटा नाम के टैब के अंतर्गत पाया जाता है सब टोटल, और ये ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसका प्रयोग लिस्टिंग करने के लिए हम करते हैं। आइए हम एक टेबल के माध्यम से सब टोटल के बारे में समझते हैं। देखिए, ये एक टेबल है, यहाँ पर हमने कुछ आइटम लिखे गए हैं, पेन का रेट है। सब टोटल करते समय आप आइटम और रेट को अगर एक साथ लेते हैं, जैसे कंप्यूटर, हमने 100 रुपये का कंप्यूटर कोई सामान 100 रुपये का परचेज किया है, कंप्यूटर का ही कोई सामान हमने एक लिस्टिंग की है कि हमने कंप्यूटर संबंधित 4 सामान खरीदे हैं, 100 रुपये का, 200 के, 50 के, 100 के। फिर हमने गिफ्ट भी लिया है 100 रुपये का, 34 का, 56 का, 190 रुपये का। ऐसे ही हमने वेजिटेबल लिया है 50 का, 30 का, 20 का, तो गिफ्ट लिया है 34 का, 56। तो मतलब हमने जो जो जैसे ये सामान लिया इसका ये रेट है, हमने कंप्यूटर का ये सामान लिया इसका ये रेट है, वेजिटेबल का ये सामान लिया इसका ये रेट है, तो हमने लिया। अब हमें देखना हो कि इस लिस्ट से हमने टोटल कितने का खरीदारी किया, वो तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कितने का हमने, कितना पैसा हमने कंप्यूटर पर खर्च किया, कितना पैसा हमने गिफ्ट पर खर्च किया और कितना पैसा हमने वेजिटेबल पर खर्च किया और टोटल कितना पैसा खर्च किया, ये जानने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है सब टोटल। देखिए, इसको सेलेक्ट करिए, आप सब टोटल पर चलिए और क्लिक कर दीजिए, यस ओके करिए। देखिए, कंप्यूटर पर अलग अलग बता दिए, कंप्यूटर के लिए आपने टोटल खर्च किया 450 रुपये, गिफ्ट के ऊपर आपने टोटल खर्च किया 10 रुपये, और सॉरी मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया था, चेक कर देता हूँ फिर से, लगता है पूरा सेलेक्ट नहीं है, नहीं पूरा सेलेक्ट था, चलिए फिर से हम कर देते हैं, और ये आपका है, और फिर से चलते हैं सब टोटल पर, यस ओके। हाँ, अब इसके बाद आपका देखिए ये आपका आ गया, और कंप्यूटर पर टोटल हमने खर्च किया 450 रुपये, गिफ्ट पर टोटल खर्च किया 290 रुपये, और वेजिटेबल पर टोटल खर्च किया 100 रुपये, और हमने सारा मिला के खर्च किया 840 रुपये। इस तरह किसी भी बड़े से बड़े लिस्ट पर आपने एक पार्टिकुलर आइटम पर कितना पैसे खर्च किए, अब पूरा कितना खर्च किया, ये बड़े आसानी से जान सकते हैं, ये है सब टोटल। और इसी के अंतर्गत आप ग्रुप और अनग्रुप के बारे में भी समझ सकते हैं। जैसे अब इतने आइटम को अगर आपको ग्रुप करना है, माइनस पर क्लिक करिए, ये आइटम ग्रुप बन जाते हैं, माइनस पर क्लिक करिए, माइनस पर क्लिक करिए, माइनस पर क्लिक, ये देखिए सारे आइटम एक ग्रुप बन गया और सारे आइटम आपस में छुप गए। और यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, आप जिस भी प्लस पर क्लिक करेंगे उसका मतलब, प्लस का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई लिस्ट है, जिस पर क्लिक करने पर वो लिस्ट आपको दिखाई देती है। इसको हम अलग से ग्रुप अनग्रुप करके भी समझ सकते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे लिस्ट में अगर आप इस समय सब टोटल नहीं लगा है, अब आपको इतने लिस्ट का, जैसे कंप्यूटर वाले लिस्ट का एक ग्रुप बनाना है, इस पर चलिए, यहाँ चलिए ग्रुप पर क्लिक कर दीजिए, ओके। देखिए, ये एक ग्रुप बन गया, गिफ्ट का दूसरा ग्रुप बनाना है, क्लिक कर दीजिए, गिफ्ट का भी एक ग्रुप बन गया, वेजिटेबल तीसरा अगला बनाना है, क्लिक करिए, ये भी एक बन गया, ओके। अब देखिए आपकी बन जाते हैं, ये तो सब मिला के मैंने एक साथ ही बना दिया, सब एक ही ग्रुप बन गया, अब क्लिक करेंगे तो आपके अलग आ रहे हैं, ये तो सब एक में ही मैंने बना दिया, लेकिन इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ चले गए, यहाँ क्लिक है, अनग्रुप कर देंगे, वो आपकी ग्रुपिंग हट भी जाएगी, अब वापस आपको ऐसे लाएंगे, ला सकते हैं। तो किसी भी एक जगह को ग्रुप बना सकते हैं, उसे प्लस और माइनस करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप सब टोटल के बारे में, सब टोटल में हम हर एक लिस्ट वाइज अलग अलग आइटम का अलग से टोटल निकालते हैं और बाद में होल टोटल निकाल देते हैं कि पूरा कितना एक्सपेंस हुआ या कितनी अमाउंट है। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। जल्द हम आपके सामने फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे नए टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत